please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हिमाचल के लाहौल स्पीति और रोहतांग दर्रे में भारी बर्फबारी के बीच कई सैलानी फंस गए। इसके बाद उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी दी गई कि अकेले लाहौल स्पीति में 500 से ज्यादा सैलानी अब भी मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए वायुसेना और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मोर्चा संभाला। रोहतांग दर्रे में कई सैलानी राहत कैंपों में मौजूद दिखे। सैलानियों के लिए कैंपों में खाने और दूसरी चीजों का भी इंतजाम किया गया। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। सड़कें तो पूरी तरह गायब हो गई। कई इलाकों का संपर्क कट गया। मुश्किल हालात में BRO ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी रखा। खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से बर्फ की मोटी चादर को हटाया गया। साथ ही वहां फंसे लोगों के लिए 1000 से ज्यादा खाने के पैकेट भिजवाए गए। लाहौल स्पीति में फंसे सैलानियों में 12 लोगों को सुरक्षित मनाली लाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के समय वायुसेना को काफी दिक्कतें आईं, लेकिन बर्फबारी के बीच बचाव अभियान जारी रहा। लास्ट 3 डेज वॉज हॉरिबल। गाड़ी में रुके थे एंड बर्फ गिर रहा था। मुझे उम्मीद भी नहीं था कि हम लोग अगले 3-4 दिन में मनाली तक पहुंच पाएंगे। अकेले लाहौल स्पीति में 500 से ज्यादा सैलानियों के फंसे होने का दावा किया गया, जिन्हें हेलीकॉप्टर के साथ सड़क के रास्ते भी सुरक्षित जगहों पर लाने की कोशिश की गई। हालांकि बर्फ से ढके पहाड़ों में कई लोग गायब बताए गए, जिसकी वजह से वायुसेना को लाहौल स्पीति और रोहतांग दर्रे के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन लोगों की तलाश करनी पड़ी। दावा किया गया कि गायब बताए जा रहे 20 से ज्यादा लोगों से पिछले 3 दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि जिन लोगों के वहां फंसे होने की जानकारी मिली उन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया। हमारी SDM पुलिस की हमारी जो टीम है जो BRO के साथ मिलकर कार्य कर रही है। जानकारी दी गई कि रोहतांग दर्रे से मंगलवार को 305 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति के कोक्सकर में 123, बकरथाच दुंदी में 210 और सरचू से बारालाचा दर्रे में 300 से ज्यादा सैलानी फंसे हैं। राफेल सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष और BJP के बीच सियासी बयानबाजी दिन ब दिन तीखी होती जा रही है। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार के सामने मुश्किल खड़ी करने का दावा किया। आने वाले 2-3 महीने में ऐसा मजा दिखाएंगे हम आपको, एक एक करके हम दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं है, चोर है। नरेंद्र मोदी जी चोर है। कांग्रेस अध्यक्ष का प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाना BJP को चुभ गया, लिहाजा उसने भी राहुल गांधी को कोसते हुए नेहरू गांधी परिवार को ही निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी भ्रष्ट है, बेशर्म है और राहुल गांधी का परिवार बिना कमीशन के कोई काम नहीं, चाहे वो बोफोर्स हो या 2G हो या कोयला घोटाला। BJP ने राफेल सौदे पर बयानबाजी को गलत करार दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर गंभीर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार पर कांग्रेस के हमले फिर भी नहीं रुके। और रविशंकर प्रसाद का जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोर्चा संभाल लिया। अलीबाबा और 40 चोर की कहानी सारे देश ने सुनी है, अब देश ये पूछ रहा है कि मोदी बाबा और 40 चोर देश को जवाब कब देंगे। कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर सरकार पर फिर हमला बोला और सौदे से जुड़े सवालों के जवाब मांगे, लेकिन राफेल पर जारी वार पलटवार के बीच अमेठी में ही राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए। प्रदर्शन कर रहे BJP कार्यकर्ता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से नाराज थे, जिसके लिए राहुल गांधी के एक बैठक में पहुंचने से पहले BJP के कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां एकजुट हो गए और BJP नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा बल ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन कार्यकर्ता हटने के बजाय सड़क पर बैठ गए। BJP का युवा मोर्चा जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, तो अगर हम आपको दाहिना हिस्सा दिखाएं तो आप यहां देख सकते हैं कि कांग्रेस के लोग वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं BJP के खिलाफ। इस दौरान सुरक्षा बल और BJP कार्यकर्ताओं के बीच बहुत देर तक बहस भी हुई, लेकिन तब तक वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता भी जोश में आ गए और BJP के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के हंगामे से पुलिस की मुश्किल और बढ़ गई और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे BJP कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कल अमेठी के क्षेत्र में घूम घूम कर हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी किया है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने आए हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BJP सरकार पर नाकामी के आरोप लगा दिए। पूरे 4 साल 4.5 साल की सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए आज हमारे नेता का विरोध भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस हंगामे के बीच वहां से राहुल गांधी अपने काफिले के साथ गुजर गए, हालांकि इस दौरान भी लगातार नारेबाजी होती रही।
सुप्रीम कोर्ट आज आधार की कानूनी मान्यता पर फैसला सुना सकती है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी, जिसने मई में हुई सुनवाई के समय आधार की कानूनी मान्यता पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये फैसला उन याचिकाओं पर आएगा जिनमें आधार कानून को असंवैधानिक और नागरिकों की निजता के हनन की दलील पर चुनौती दी गई थी। पिछले साल निजता के अधिकार पर एक बड़ा फैसला आया था, जो आधार की कानूनी मान्यता के मामले में भी अहम किरदार अदा करेगा। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि निजता भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार है। पूरे उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। सितंबर में मौसम का ऐसा सितम देश ने पहले शायद ही कभी देखा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो मौसम ने जिंदगी को पूरी तरह पटरी से उतार दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 विदेशी पर्यटक अचानक भारी बर्फबारी के बीच फंस गए। जिस जगह पर दोनों पर्यटक फंसे वो पिग्डोमला थी। जर्मनी के दोनों नागरिक यहाँ ट्रेकिंग के लिए आए थे, लेकिन अचानक ऐसी बर्फबारी की उम्मीद किसी को नहीं थी। दोनों नागरिकों की तलाश में वायुसेना के विमान निकल पड़े। पहाड़ियाँ पूरी तरह बर्फ से ढकी थी और वायुसेना को मिली जानकारी के मुताबिक पर्यटक 12 घंटे से ज्यादा वक्त से फंसे थे। थोड़ी देर में वायुसेना का विमान दोनों पर्यटकों के टेंट के पास पहुंच गया। टेंट में मौजूद दोनों पर्यटकों के लिए वायुसेना के जवान नई जिंदगी लेकर आए। बर्फ के बीच कई घंटों से फंसे जर्मनी के दोनों नागरिकों को जैसे नई जिंदगी मिल गई। बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर पर्यटक फंसे हुए हैं। पर्यटकों के फंसने की खबरें रोहतांग दर्रे से भी सामने आई। रोहतांग और मनाली के बीच की पहाड़ियों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर जम गई। ये बर्फबारी ऐसी थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पर्यटक यहाँ कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने पहुँचते हैं, लेकिन कुदरत ने डराना शुरू कर दिया। कुछ पर्यटक कई घंटों तक बर्फबारी के बीच फंसे रहे। 2 दिन तक फंसे रहे एक पर्यटक ने सेल्फी वीडियो शूट किया। इसमें फंसने के बाद फाइनली 16 किलोमीटर पैदल चलते हुए कवर कर रहा हूं डिस्टेंस। 2 दिन बिना खाए बिना पानी गुजारा किया। तो अब भी कई पर्यटकों के अलग अलग जगहों पर फंसे होने की खबर है, जिन्हें निकालने के लिए सरकारी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और वायुसेना की टुकड़ियां भी अलर्ट पर। मनाली से कई और पर्यटकों को भी सुरक्षित बचाया गया, जिन्होंने 4.5 फीट मोटी बर्फ की चादर के बीच 26 घंटे बिताए। सब अंधेरा, स्नो और स्नो, 4.5 फीट। सैलानियों के इस दल को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बर्फबारी में फंसे रहने का सैलानियों का तजुर्बा डराने वाला था। 26 आज हम बिना फूड वाटर के वहाँ पे, अगर वो नहीं होते तो प्रॉब्ली हम शायद हैव बीन अलाइव। हिमाचल के इन हिस्सों में हालात ऐसे हैं जैसे अचानक शहरों को सफेद चादर से ढक दिया गया। मोटरसाइकिल, कार, ट्रक सब बर्फ से ढके। जमीन, सड़क, मैदान सब कुछ सफेद। इस बार की बारिश ने हिमाचल प्रदेश के हालात बुरी तरह बिगाड़ दिए। जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचा है ये देखने के लिए मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया। जिन पहाड़ों पर सितंबर में बर्फ दिखती नहीं थी वो भी बर्फबारी से पूरी तरह ढके दिखाई दिए। लेकिन मौसम इतना नासाज है कि हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री पूरे हिमाचल का हाल भी नहीं देख पाए। बर्फ पड़ी है लाहौल स्पीति के इलाके में, हम आगे तक नहीं जा पाए क्योंकि मौसम खराब हो गया उसमें। नदियों का हाल भी डराने वाला है। जिन जगहों पर आमतौर पर मैदान दिखाई देता है वहाँ भी नदी और नालों का पानी उफान मार रहा है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में रिहायशी इलाके तक पानी में डूब गए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ के टूटने से हुई। पहाड़ों के हिस्से टूट टूट कर सड़कों पर गिरे हुए, जिसकी वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जाल टूट गया। लोग जहां तहां फंसे हुए। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी रास्तों में फंसे हैं। The main road is closed because of the flooding and now this road is closed because there were big stones on the road. रास्तों पर फंसे लोगों के लिए रास्ते दुरुस्त होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ज्यादातर सड़कों पर बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर रास्ते खोलने की कोशिश जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए सड़कें ठीक करना ही फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। तो मनाली में एक पुल को भी ब्यास नदी अपने साथ बहाकर ले गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बड़े स्तर पर जो है जो नुकसान हुआ है वो ज्यादा सड़कों का हुआ है। ब्यास नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाटों पर नदी की लहरें अब लोगों को डरा रही है। मंडी में ब्यास नदी के किनारे हनुमान जी की मूर्ति से काफी नीचे खड़े होकर लोग भगवान के दर्शन किया करते थे, लेकिन अब तो बजरंग बली की आधी मूर्ति ही ब्यास के पानी में डूबी हुई है। आसपास के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी भारी बारिश पहले कभी नहीं देखी। कभी इतना नहीं बारिश हुई है जितनी आज बारिश हो चुकी है। इसने तो रोड वगैरह ठप कर दी है, लोगों का भी काम काज ठप पड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 1995 में आखिरी बार ब्यास नदी में बाढ़ आई थी, लेकिन 1995 में भी ब्यास नदी ने ऐसी तबाही नहीं मचाई थी जैसी इस बार देखने को मिल रही है। पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी ने अपना रास्ता तक बदल लिया। और ऐसी कई जगह हैं जहां शहर में लोगों की जिंदगी बीता करती थी वहां नदी की लहरें उफान मार रही।
ब्यास नदी ने अपना रास्ता बदल लिया पानी के तेज बहाव की वजह से। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये सड़क का वो हिस्सा है जहां पर ट्रक यूनियन के लोग अपने ट्रकों को पार किया करते थे। कुल्लू में न्यूज 18 की टीम से एक ऐसा परिवार मिला जिसके कुछ सदस्य मनाली में फंसे हैं। 68 साल की बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ परिवार के बाकी लोगों का इंतजार कर रही। बीच बीच में जो पैचेज है, लेफ्ट साइड भी बंद है, राइट साइड भी बंद है, तो गाड़ी लेके तो जाना इम्पॉसिबल है। बड़ी मुसीबत ये भी है कि बाढ़ की वजह से बिजली उत्पादन के दर्जनों प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं। राज्य के ज्यादातर इलाके 3 दिन से अंधेरे में डूबे हैं। न लोगों के मोबाइल फोन चार्ज हो रहे हैं, न टीवी के जरिए जानकारी मिल रही है। मेजर प्रोजेक्ट थे तो लालची 3 दिन से बंद पड़े हुए। हालात ऐसे हैं कि बारिश थमने के बाद भी जिंदगी को पटरी पर लाने में लंबा वक्त लग जाएगा। फंसे हुए कई लोग उन सड़कों पर हैं जिन्हें पहाड़ खिसकने की घटनाओं की वजह से बंद करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर भी ऐसी जगहों में शामिल है जहां पहाड़ खिसकने की घटनाएं सबसे ज्यादा हों। स्वार घाट के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगह पहाड़ के हिस्से टूटकर सड़क पर आ गिरे, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़ होने की वजह से गाड़ियों के निकलने के लिए रास्ता तक नहीं बचा। लैंडस्लाइड की वजह से जो हाईवे है वो कई जगह पर बंद है। घंटों बीत जाने के बाद जब वहाँ कोई मदद के लिए नहीं आया तो ट्रकों और बसों के ड्राइवर अपनी गाड़ियों से उतरे और खुद इलाके के लोगों की मदद से सड़क से मलबा हटाने में जुट गए। बड़ी चट्टानों को काफी मशक्कत के बाद लोगों ने सड़क से हटाया। सरकारी मदद के नाम पर यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, ऐसे भारी भरकम पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं इस पूरे हाईवे पर कई जगह पर, और लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। दूसरी ओर बिलासपुर में पहाड़ों पर मौसम खराब होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। चारों ओर धुंध की वजह से भी गाड़ियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन तबाही केवल हिमाचल प्रदेश तक ही नहीं सिमटी, लगातार बारिश ने उत्तर भारत के तमाम राज्यों में हालात बिगाड़ दिए, जिनमें अगला नाम उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक स्कूल के कमरों तक बारिश का पानी पहुंच गया। इमारत की दीवारों के हिस्से टूट टूट कर गिर चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर कुछ घंटे बारिश और हुई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगला नंबर पंजाब का है। पंजाब में 2 दिन से स्कूल कॉलेज बंद हैं और एहतियातन बुधवार को भी स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। लगातार बारिश की वजह से अमृतसर में तो एक सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। हरियाणा में भी सैकड़ों एकड़ में फैली फसलें खराब हो चुकी हैं। पंचकुला में घग्गर नदी के उफान पर होने की वजह से निचले इलाके खाली करा लिए गए हैं। नदी का एक हिस्सा ऐसा है जो मैदान हुआ करता था, लेकिन नदी के उफान पर आते ही छात्र स्कूल तक पहुंचने के लिए जान दांव पर लगाने को मजबूर हैं। नदी के इस हिस्से पर गुजरने वाले एक पाइप को बच्चे पुल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कदम पर खतरा है, पांव जरा सा फिसलते ही जान पर आफत आ सकती है। राजस्थान के भी कई जिलों में लगातार हो रही बारिश खतरनाक हो चुकी है। उदयपुर में बांध से लाखों लीटर पानी छोड़ा गया, जबकि राज्य के ज्यादातर बांध या तो भर चुके हैं या भरने के करीब हैं। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान ये है कि बुधवार को भी बादल आफत लेकर आएंगे। हालांकि खतरा इस बार पूर्वोत्तर के राज्यों पर है, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई। अनुमान यह है कि बुधवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बेहद भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व के ज्यादातर राज्यों में 29 सितंबर तक जोरदार बारिश का अनुमान जताया है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि मौसम का ये मिजाज हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि सितंबर में मौसम का ऐसा सितम इससे पहले कभी नहीं देखा गया। पहले शुक्रवार को डाई तूफान ने तबाही मचाई, ओडिशा के कई हिस्सों में तूफान के साथ बाढ़ आ गई। फिर रविवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने उत्तर भारत को डिस्टर्ब शुरू कर दिया। लगातार बारिश के बाद उत्तर भारत बेहाल है। नुकसान ऐसा हुआ है कि भरपाई में महीनों लग जाएंगे, और अब मौसम की ऐसी ही मनमर्जियां उत्तर भारत को डिस्टर्ब कर सकती हैं।